भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, याद समझा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दूंगा जो आपने करने होंगे। ऐसे ही दो एरेस को मिलाकर कुछ नई चीज बनाना, ठीक है ना, पीर वाले दिन इंशाल्लाह। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये देखो, पहले दोनों एरेस को मैंने, एक तो ये कॉमर्स का इशू है, किसने बनाया ये एरे, किस घटिया इंसान ने बनाया, कैसा बनता है तेरी वो लगती है जो ऐसे बोल रहा है, ताजीम से बोलो बेटा, अपनी बड़ी बहन को भी हम ऐसे बोलेंगे, उसने बनाया है। चलो भाई, कोर्सेस क्या है, एक स्टूडेंट से एक कोर्सेज है, क्या भाई बोलो बोलो, स्टूडेंट्स का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, अब सुन लो, स्टूडेंट्स का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, जल्दी ले पढ़ो, नेम और आईडी, यानी हर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में उसकी आईडी है, उसका नेम है और एज है, ठीक है, एज का भी ताल्लुक नहीं, एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अभी से भी ये दिमाग रखो, आईडी और नेम है, ठीक है, दूसरे में भी यही है, तीसरे में भी यही है, सही है, बोल ही नहीं रहा। और कोर्सेज के एरे के अंदर क्या है, कोर्स का नाम और स्टूडेंट आईडीज है उसके, क्या है स्टूडेंट की आईडी से मुराद कितने स्टूडेंट्स और कौन कौन से स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल है। अब मैथ्स के अंदर एसटीडी आईडी यानी स्टूडेंट आईडी के अंदर स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 3 किसकी आईडी थी, इसकी सुजैन कॉलिंस की, यानी मैथ्स के अंदर सुजैन कॉलिंस भी एनरोल है और बिल गेट्स भी एनरोल है, समझ आ रही, यानी हम जब डेटाबेस में सेव करते हैं तो इसी तरह सेव करते हैं, ठीक है, डेटाबेस में एक हमारे पास स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है, उसके अंदर हमने लिखे भाई कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी सबकी आईडी होती है, सही है, और एक है आपका कोर्सेज का कलेक्शन, किसका है, अब कोर्सेज के कलेक्शन में मैं पूरा पूरा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि स्टूडेंट आईडी के अंदर ये स्टूडेंट है, इसकी एज ये है, इसका वो ये है, नहीं, मैं सिंपल उसकी आईडी दूंगा कि भाई ये वाला स्टूडेंट इसमें मौजूद है, स्टूडेंट आईडी 3 एंड स्टूडेंट आईडी 1, बात समझ आ रही, जब हम डेटाबेस में जाएंगे तो अब आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। बहरहाल अब डेटा हमारे पास इस तरह का मौजूद है, सही है, बोल ही नहीं रहा, अब क्या ये कोर्सेज के अंदर जाने पर हमें पता चल रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में है, सही, अब ये बोल रहा है आप इन दोनों डेटा की मदद से कोई ऐसा काम करो कि मैं स्टूडेंट्स के अंदर ही देख लूं कि हर स्टूडेंट के बारे में पता चल जाए कि एसटीडी 1 बिल गेट्स जो है कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल है, वो बोल रहे ये काम करना है, बात समझ आ रही, यानी लेट से एसटीडी 1 वाले केस में आओ तो बिल गेट्स जो है कौन कौन से कोर्स में एनरोल है, यहां बताओ मुझे, मैथ्स में और कॉमर्स में, क्योंकि इसकी आईडी मैथ्स में भी दिख रही है और कॉमर्स में भी दिख रही है, तो होना ये चाहिए कि जब बिल गेट्स का हमें ऑब्जेक्ट दिखे तो इसके अंदर कोर्सेज का एरे हो और कोर्सेज के एरे में लिखा हो मैथ्स एंड कॉमर्स, क्या लिखा हो, और इसी तरह स्टीव जॉब्स में क्या क्या लिखा होगा, सिर्फ कंप्यूटर साइंस होगा, ऐसा ही, यानी कोर्सेज का एरे होगा उसके अंदर कंप्यूटर साइंस होगा, और थर्ड क्या है सुजैन कॉलिंस में क्या लिखा होगा, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये बात समझ में आई, आउटपुट हमें ये चाहिए, आउटपुट हमें ये चाहिए, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लूप के बगैर तो काम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। अब हमें इसका मतलब देखो, दो एरेज है, कितने एरेज है, तो इसका मतलब दो लूप्स तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, यानी एक लूप लगेगा इस स्टूडेंट्स पर, लूप दो लूप क्यों लगेंगे बताओ, हाँ क्योंकि एक बार हमें स्टूडेंट पर चलाना है, देखो आपको याद है हमने वो काम किया था, किस तरह काम किया था, जिसके अंदर दो लूप्स लगाए थे और कंपेयर हमने पेयर्स बनाए थे, आप क्रिकेट गेम को भी आप ले सकते हो कि भाई हर ओवर्स के लिए हमने 5 ओवर्स है तो लूप चलाए, अब हर 5 ओवर्स में कितनी बॉल थी, 6 थी, तो अंदर 6 का लूप चलाया, ऐसे ही ना हर ओवर के लिए 6 बॉल फेंकेगा, तो इसी तरह यहां पर भी हर स्टूडेंट के लिए, कहां गया स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लिए तीनों कोर्सेज से इसको गुजरना जरूरी है, ऐसा है कि नहीं, बोल ही नहीं रहा, यानी पहले स्टूडेंट पे आया और फिर ये तीनों कोर्सेज में जा जाकर चेक करेगा कि इसकी एसटी आईडी कहां पर मौजूद है, ऐसा ही, तो पहला लूप लगा उसके अंदर, फिर ये कोर्सेज पर लूप लगेगा, ऐसा ही, फिर ये दूसरे स्टूडेंट पर आएगा ये पहले लूप के जरिए, और फिर ये तीनों कोर्सेज को चेक करेगा कि तीनों कोर्सेज में इसकी आईडी कहां मौजूद है, तो इस तरह दो लूप्स लगेंगे, पेरेंट लूप और उसके अंदर नेस्टेड लूप, ये बात क्लियर है भाई, बताओ ना, ये समझ में आ रहा है, डिसीजन लेना आ रहा है कि नेस्टेड लूप हम कहां लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं जब एक
एरे के ऊपर मुझे दूसरा एरे चलाना हो, दूसरा लूप चलाना हो, ठीक है ना? बोल ही नहीं रहा भाई, एक लूप तो आपने इस पर चलाया, सही है। अब जब लूप इस पर आएगा, जीरो इंडेक्स पर आएगा, तो इसके अगेंस्ट में आपको इन तीनों को चेक करना है, ऐसा है? बोल ही नहीं रहे। तो एक लूप तो आपका पैरेंट चल रहा था, अब हर लूप के लिए ये तीसरा वाला, ये दूसरा वाला भी लूप चलेगा, नीचे वाला, जिसके अंदर वो तीनों आइटम्स को इसके अगेंस्ट में चेक कर रहा होगा कि भाई बिल गेट्स इस कोर्स में एनरोल है, इसमें है या इसमें है, ठीक है? बोल ही नहीं रहे। तो सबसे पहले तो लूप चला लो, सबसे पहले तो फॉर किस पे चलेगा, स्टूडेंट्स पे पहले चला लो, I equals to zero, I lesson, जल्दी लीजिए, students dot length और I plus plus, सही है? बोल ही नहीं रहे। आप students पर तो loop चला लिया, आप किस पर चलाना? Courses पर, ऐसा ही ना? उसका कैसे चले? Forward, J equals to zero, J lesson, courses dot length, J plus plus, ऐसा ही है? अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर मैं यहां लिखता हूं, सॉरी, स्टूडेंट्स आई, क्या लिखता हूं? आई, सिर्फ कंसोल करो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या आएंगे मेरे पास कंसोल? एक मिनट, स्टूडेंट्स आई डैश और प्लस करके कोर्सेज जे, बताओ इसके कंसोल किस तरह के आएंगे, क्या क्या आएगा कंसोल में? पहले कंसोल में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, ये बताओ। पहले में बिल गेट्स है और कोर्सेज में मैथ्स था पहला, तो किस तरह से आएगा कंसोल, किस तरह आएंगे? अभी मैंने प्रैक्टिकली भी आपको समझाया कि पहला लूप इस तरह चलेगा, उसके अगेंस्ट में ये तीन देखिएगा, पहले क्या आएगा, बिल गेट्स आएगा, डैश आएगा, उसके बाद पहला कोर्स मैथ्स, फिर इसके बाद बिल गेट्स आएगा या अगले नाम पे चला जाएगा? बिल गेट्स ही रहेगा जब तक कोर्सेज का लूप खत्म नहीं होगा, यही है ना? ठीक है ना, यानी ये लूप जो है ये बिल गेट्स वाला है, स्टूडेंट्स वाला लूप है, ठीक है, और ये आपका कोर्सेज का लूप है। तो ये पहले स्टूडेंट पर रहेगा जब तक कि इसके कोर्सेज पूरे नहीं हो जाते, यानी वो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स से जब तक नहीं गुजरेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात क्लियर है ना? ठीक है, अभी देख लो कंसोल। अच्छा, मैंने चूंकि पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कंसोल करा हुआ है, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट होगा ना, बोल ही नहीं रहे। तो ये डॉट नेम कर लेते हैं इसके अंदर, सही है? स्टूडेंट आई यानी जिस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पर है उसके नेम, सही, सिर्फ कंसोल करने की हद तक अभी हम देख रहे हैं ताकि चेक कर ले लूप सही चल रहा है, और इसका भी नेम ही है, कोर्सेज का भी नेम है। देखो बिल गेट्स के लिए तीनों कोर्सेज चेक करेगा, बोलो ना, स्टीव जॉब्स के लिए भी तीनों कोर्सेज और सुजैन कॉलिंस के लिए भी तीनों कोर्सेज, सही है भाई? बोल ही नहीं रहे। ये पहले आपने स्टेप कर लिया कि यार लूप मैं इस तरह चला लूं कि एक स्टूडेंट के लिए तीनों कोर्सेज में ये जा सके, सही है? अब ये देखो, ये पास में ही आ रहे हैं हमारे पास। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे बताओ, हर स्टूडेंट के अगेंस्ट में मुझे क्या चेक करना है? हैं? अच्छा, सबसे पहले सुनो, स्टूडेंट्स के अंदर मुझे क्या एक्स्ट्रा चीज अभी फील्ड बनानी, कोर्सेज, क्या बनानी, कोर्सेज का एक एरे बनाना है। तो वो ऑब्वियसली बात है, मैं स्टूडेंट्स के लूप में ही बना लेता हूँ, किसके लूप में, यानी स्टूडेंट के लूप में ही मैं बना लेता हूँ, वार नहीं बल्कि सिंपल लिखूंगा, स्टूडेंट्स, नई फील्ड डालनी हो तो डॉट करके नई फील्ड का नाम है ना, स्टूडेंट्स आई, यानी अभी जो करंट स्टूडेंट चल रहा है, डॉट कोर्सेज, डॉट ये खाली एरे होगा, ऐसा ही, यानी जब भी ये स्टूडेंट्स का लूप चलेगा, किसी भी स्टूडेंट पर आएगा तो उसके कोर्सेज का एक नया एरे बना देगा, ऐसा है? मुझको ये बताओ, अगर ये मैं इसके अंदर लिखूंगा तो क्या होगा? जब भी किसी कोर्स पर भी लूप चलेगा हर मरतबा नया एरे आ जाएगा, और अगर हमने कुछ पुश किया होगा तो नया एरे इनिशियलाइज हो जाएगा, पुश चला जाएगा, बात समझ में आ रही? इस वजह से मैं इसको जब स्टूडेंट्स का लूप चल रहा है उस वक्त चला रहा हूँ, और ये कोर्सेज का जैसे ही एरे बन जाएगा अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगा के पुश करूंगा, सही है? बोल ही नहीं रहा, इसको कमेंट कर दो, याद देख लो, ठीक है? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स आई का कोर्सेज का एरे बन गया, इसी में मुझे पुश करना है, इसी में मुझे पुश करना है। अब कौन से कोर्सेज पुश करने, बोलो ना, कोर्सेज जे का नाम ये पुश करना है, लेकिन कब? असल काम ये करना है मुझे कि सुनो ना, अगर स्टूडेंट का, अगर स्टूडेंट आई का जो वो है अपना क्या है, आईडी, स्टूडेंट आई की आईडी अगर इनके कोर्सेज में पड़ी हुई है,
कंडीशन समझो भाई, इन दोनों में रिलेशन कैसे बन रहा है? आईडी से बन रहा है ना, स्टूडेंट की आईडी कोर्सेज में पाई जा रही है, ऐसा है? तो अगर तो फुला कोर्स में स्टूडेंट की आईडी पाई जा रही है तो वो वाला कोर्स स्टूडेंट के कोर्सेज में पुश कर दे, ऐसा है? ये काम ने कर दिया, लेकिन इफ की कंडीशन अब लगानी है। बताओ इफ की कंडीशन, मैंने उर्दू में बता दी आपको, मैंने इफ की कंडीशन ये बताई कि अगर स्टूडेंट की आईडी कोर्सेज के एरे के अंदर मौजूद है तो फिर आप उसको ले आओ, पुश कर दो। स्टूडेंट आईडी मुझे कहां पर मिलेगी? डायरेक्ट मिल जाएगी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स आई डॉट डॉट आईडी अंडरस्कोर आईडी, देखो अंडरस्कोर आईडी है ना, बेहतरीन। डॉट अंडरस्कोर आईडी किसके इक्वल है? इक्वल इक्वल टू कोर्सेस का जे डॉट एसटीडी अंडरस्कोर आईडी। मुझे ये सबसे पहले बताओ, क्या ये तो स्ट्रिंग है ना, स्टूडेंट आईडी तो एक स्ट्रिंग है, और ये कोर्सेज डॉट एस टी डी आई डी क्या, ये तो एरे, क्या स्ट्रिंग और एरे ऐसे मैच हो सकते हैं? सवाल तो सबसे, आपने इक्वल टू लगाया है, तो क्या स्ट्रिंग और एरे को इस तरह से मैच करवा सकते हैं? आप देखो, है देखो, है देखो, वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ड लिखा था हमने, बोली नहीं, वर्ड टेक्स्ट में अगर हेलो मौजूद है और मुझे चेक करना है लिस्ट में हेलो है या नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? टेक्स्ट इक्वल इक्वल टू लिस्ट, ऐसे लिखूंगा तो तुम चेक ही नहीं कर पाएगा, है वही ना, लिस्ट तो एरे है और टेक्स्ट जिससे आप कंपेयर कर रहे हो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग और एरे कैसे कंपेयर हो सकता? नहीं हो सकता। हमें ये चेक करना है कि ये वाला स्ट्रिंग एरे के अंदर मौजूद है या नहीं, और उसके लिए एक मेथड है, वो मैं बता रहा हूं। एरे का नाम डॉट इंक्लूड्स और टेक्स्ट, एरे डॉट इंक्लूड्स और उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग आपको फाइंड करना है वो देख लो। अब देखो ये टेक्स्ट मौजूद है, ट्रू है, आ रही बात समझ में? वर्ल्ड चेक करो, वर्ल्ड भी मौजूद है, लेकिन वर्ल्ड का डी हटा दो, ये मौजूद नहीं है, बात समझ भाई? तो एरे का एक मेथड है आप जो हमने नया पढ़ा, ठीक है, ये नया मेथड कह लो कि एरे डॉट इंक्लूड्स, एरे डॉट इंक्लूड्स और उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखोगे वो चेक करके बताएगा ये एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। हाँ क्या हो गया? अच्छा बट डॉट इंक्लूड्स यार, एरे डॉट इंक्लूड्स और उसके अंदर स्ट्रिंग आ जाएगा, या जो वेरिएबल के अंदर है तो वेरिएबल आ जाएगा। क्या कंपेयर नहीं करेंगे ना, कंपेयर का मतलब ये पूरा पूरा इक्वल करवा रहे हो, या एरे को पूरा पूरा इक्वल तो करवा ही नहीं सकते आप, सही? हाँ, एरे के इंडेक्स पे चेक करना हो कि भाई ये वाला स्ट्रिंग मौजूद है या नहीं, ये काम इंडेक्स ऑफ से भी हमने पहले किया, ठीक है, इंडेक्स ऑफ से भी कर सकते हैं, माइनस वन के इक्वल ना वो भी कर सकते हैं, और ये भी तरीका। अब चूंकि हम एडवांस आगे बढ़ चुके हैं तो इस वजह से मैंने ये आपको बता दिया कि ये भी एक मेथड है, इजी, ये डायरेक्ट ट्रू फॉल्स में आपको बताएगा है या नहीं, सही है? डन, चलो भाई आगे चलो यार। आप मुझे बताओ यहां मुझे फिर क्या कंडीशन लगानी चाहिए? अभी मैंने जिस हिसाब से आपको कंडीशन बताई, अब मुझे यहां क्या कंडीशन लगानी चाहिए? एरे आई किधर है बेटा? यहां पर एरे कौन है? स्टूडेंट, स्टूडेंट एरे, वाह ओ भाई, इन दोनों में से एरे कौन है? ये एरे है या ये एरे? कोर्सेज एसटीडी आईडी है, ऐसा ही है ना, ये देखो ना, ये एरे है ना, इसके अंदर चेक करना है स्टूडेंट आईडी है या नहीं। अब बताओ क्या लिखेंगे? कोर्सेज जे डॉट एसटीडी आईडी डॉट इंक्लूड्स डॉट डॉट इंक्लूड्स और उसके अंदर हम स्टूडेंट आईडी देखेंगे, ऐसा ही है? ये हटा देंगे इक्वल टू और यहां से, बोल ही नहीं रहे, वही आ गया ना यार, ये एरे डॉट इंक्लूड्स और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप देखना चाह रहे हो, आई बात समझ में? अब अगर ये ट्रू हुआ तो इफ चलेगा, फॉल्स हुआ तो इफ नहीं चलेगा, सही? और इसके अंदर मैंने डाल दिया स्टूडेंट आईडी डॉट कोर्सेज डॉट पुश, और क्या पुश किया? जो भी करंट कोर्स का नाम है, जो भी करंट कोर्स का नाम है, बस खत्म। अब चेक करो अपने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के अंदर कोर्सेज थे पहले? नहीं थे ना, अब देखो आए, बोल ही नहीं रहे, आए आ गया, बोल ही नहीं रहे,
फिर से बताओ मुझे। कोड ही तो नहीं लिखना था, ये तो गलती करनी थी। ये बन गया हमारा दोबारा से स्टूडेंट्स और कोर्सेज का एरे। किसका भाई बोल ही नहीं रहे? ये स्टूडेंट्स, ये कोर्सेज, सही है? बोल ही नहीं रहे? ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है, किस पे लूप चलाएंगे सबसे पहले? स्टूडेंट्स पे। फॉर वार आई इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी, अब आई लेस देन, आई प्लस प्लस, अब एक और फॉर लूप, जे इक्वल्स टू जीरो, जे लेस देन, क्या सर बनाते ना रोतू आदमी। अब एक कोर्सेज का खाली एरे बना ले, लेकिन वो कोर्सेज किसके अंदर होगा? सब बोल ही नहीं रहे। स्टूडेंट्स डॉट कोर्सेज या क्या होगा ये सोचा करो भाई। एक मिनट, एक मिनट, आपको पता है डॉट कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है डॉट? किस पे लगता है डॉट करके? समझिए ऐसा चंपा मारूंगा ना, इंडेक्स पे लगता है डॉट करके, ऑब्जेक्ट पे लगता है ना। सोचा करो कि डॉट मुझे कहाँ लगाना, ऑब्जेक्ट पर। अब अपने आप से सवाल करो, क्या स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट है या एरे? एरे, तो उस पर डायरेक्ट डॉट नहीं लग सकता जब तक कि उसके किसी इंडेक्स पर ना चले जाओ, जब तक कि उसके, ठीक है। डॉट का लगता है भाई, सब बोलो डॉट का लगता है। स्टूडेंट से क्या है? एरे, तो एरे की जब तक किसी इंडेक्स पर नहीं पहुंचोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, तो पहले इंडेक्स पर पहुंचो। तो इंडेक्स पर कैसे पहुंचेंगे? ब्रैकेट आई से, ठीक है। इंडेक्स पर कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, अब इसके डॉट करके मैं क्या लिखूंगा नया? मेरे फील्ड का नाम क्या? कोर्सेस। तो डॉट कोर्सेज और इक्वल्स टू खाली एरे, ताकि इसमें हम पुश कर सकें, सही भाई? ये इसलिए हमने बनाया। ये वार्ड से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है भाई, ये वेरिएबल नहीं है, ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है, समझ लो। तो उसके लिए वार्ड यूज नहीं होता, वेरिएबल को बनाते तो ऑब्जेक्ट यूज, वार्ड यूज होता है। अब मुझे क्या करना है? इफ कंडीशन से पहले मुझे बताओ, अगर मुझे सारे कोर्सेज पुश करने हो तो पुश करने का, चलो इफ की कंडीशन पहले लगा लो। इफ क्या? इफ आप चेक, हमें क्या करना है? पहले पहले दिमाग को हाजिर करके ये समझ लो कि ये फॉर लूप के लूप में जीरो इंडेक्स पे क्या होगा? जीरो इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? बिल गेट्स का ऑब्जेक्ट होगा। और इसके जीरो इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? मैथ्स का और एसटीडीआईडीज इसके अंदर आ रहे हैं, ऐसा ही ना? आप मुझे क्या कंडीशन लगानी? सबसे पहले इसको स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले कोर्सेज का बताओ कि कोर्सेज के एसटीडीआईडी को मैं यहां कैसे लिखूंगा, कि कोर्सेज के एसटीडीआईडी पहले बताओ ये कैसे लिखूंगा? कोर्सेज आई है जे, क्योंकि कोर्सेज का जे लूप है, ठीक है। डॉट एसटीडीआईडी, अब इस ये एक एरे या स्ट्रिंग है, देख कर बताओ क्या है? एरे या स्ट्रिंग है? क्या लिखा है एरे? कैसे बताइए एरे भाई? कोर्सेज का एसटीडीआईडी एक एरे है, कैसे पता चला? अबे डॉट, अजीब है यार, डॉट देख के तेरे को उसके एरे दिख गया, कैसे बेतु की बातें कर रहा है? और भंगियो, ये डेटा देखकर पता चल रहा है ना, ये क्या है डेटा? एरे जो लिखा हुआ है, अजीब रट्टे मार रहे तुम लोग यार। तभी तुम्हें एक एक चीज पूछो ना, यही कहां से पता चले एरे 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 एरे, ये ना सामने लिखा हुआ है, डेटा तो देखो तुम लोग, दिमाग क्या चला रहा है? अब क्या करना है इस एरे के अंदर, मुझे क्या देखना है? ये वाली स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स की स्टूडेंट आईडी मौजूद है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? डॉट डॉट इंक्लूड्स, और उसके अंदर क्या आ जाएगी? स्टूडेंट्स की स्टूडेंट डॉट एसटीडी आईडी, ऐसे स्टूडेंट डॉट आईडी आई, यानी स्टूडेंट्स का जो लूप चल रहा है वो आई पर चल रहा है, ठीक है। डॉट अंडरस्कोर आईडी, बस ये अगर ट्रू होता है तो मुझे क्या करना है, किस में क्या पुश करना है भाई? स्टूडेंट्स के अंदर कोर्सेज के एरे में पुश करना है, तो मैं कैसे करूंगा? कोर्सेज डॉट, कोर्सेज कहां से मिलेगा? हवा में? आप देखो ना ऊपर, अभी आपने क्या बनाया, ये आपने क्यों बनाया? इसको नचवाने के लिए बनाया? मुझे ना करेगा ये फॉर लूप में, क्या करेगा ये? इसके अंदर पुश करने के लिए बनाया ना?
अजीब तुम लोग, मतलब बना बना के नीचे नई बातें कर रहे हो तो उसमें पुश करेंगे, इसको भी मुजरे के लिए बनाए, पैसे डालोगे इस पर, अजीब बात है। अब इधर क्या करना है, डॉट पुश, किसको पुश करना है, बोली नहीं, कोर्सेस को, आईडी को। अबे भाई तुम लोग बात सुनो, बात सुनो, एक मिनट, दिमाग क्यों नहीं चला रहे, ये देखो ना किस में पुश कर रहे हो, स्टूडेंट्स के कोर्सेज में, स्टूडेंट के कोर्सेज में सब्जी प्याज ये पुश करोगे, स्टूडेंट के कोर्सेज में स्टूडेंट आईडी पुश करोगे, यस कोर्सेज में स्टूडेंट आईडी पुश करेंगे, कोर्सेज में स्टूडेंट, कोर्सेज में तुम यहां जो भंगी घूम रहे हो उसको पुश करोगे, मेक सेंस, दिमाग चल रहा है, कोर्सेज में क्या पुश होगा, कोर्सेज की आईडी ना, तो कोर्सेज की आईडी आपको कहां मिल रही, कोर्सेज की आईडी नहीं, सॉरी कोर्सेज का नाम पुश करना है, आईडी तो यहाँ ही नहीं ना, आईडी तो कोर्सेज की आई नहीं, कोर्सेज के नाम पुश करने, भाई मतलब अल्लाह माफ करे, कोर्सेज जे डॉट, जे डॉट सही है, अब ये वेरी गुड तो हो गया, लेकिन थोड़ी मैं आसानी मजीद आपको करता हूँ, अभी आपको आई जे में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, किसका आई किसका जे, ऐसा है कि नहीं, ठीक है काम दोबारा चल गया, आप देखो एक काम करो, टेंशन नहीं लो, टेंशन आप यहाँ पर जब आओ लूप दूसरा चला लो, लूप चलिए क्या लिखना, वाट जाइए क्वेश्चन, जीरो जे लेस देन कोर्सेज डॉट लेंथ जे, बोलो बोलो, अरे भाई कहाँ है जे प्लस प्लस, सही, आप सुनो मेरी बात, स्टूडेंट्स जिस पर लूप चल रहा है वो क्या स्टूडेंट्स आइए, बोल ही नहीं रहे, उसको एक वेरिएबल में ले लो, वार करंट स्टूडेंट, वार और वो कौन है स्टूडेंट्स आई, ऐसा ही बोल ही नहीं रहे, ठीक है, अब मुझे क्या करना था, नया एरे जनरेट करना था, किसका, जो करंट स्टूडेंट है उसके अंदर कोर्सेज का एरे, ऐसा ही अब ऐसे लेके चल रहे थे, जो भी आई जे का है ना उसको वेरिएबल के अंदर डाल देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, सही है, करंट स्टूडेंट के अंदर कोर्सेज का एक एरे बनाना है, ऐसा है, बोल ही नहीं रहे, ये किसने बनाया, मुजरा करने के लिए, तो इसके अंदर पुश करवाएंगे, सही याद आता है इसका मकसद, सही है ना, ऐसी बातों से तुमको याद आता है, आप सुनो, आप कोर्सेज का जो करंट कोर्स है वो किस में मिलेगा, कोर्सेज का जे इंडेक्स में, उसको एक करंट कोर्स के बारे में ले लो, सही, बोल ही नहीं रहे यार, करंट कोर्स कोर्सेज का जे, ठीक है, आई जे से जान छोड़ जाएगी अब आपकी, सही है बको, सही है, हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, क्या इफ की कंडीशन में क्या चेक करना है मुझे, आप बताओ कि करंट कोर्स की एसटीडी आईडी में स्टूडेंट की आईडी मौजूद है या नहीं, ऐसा ही है ना, बताओ क्या लिखूंगा, करंट कोर्स की डॉट, आप डायरेक्ट डॉट मिल जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी जे यहां पर लिख दिया, सही है, और ये एक ऑब्जेक्ट है करंट कोर्स, करंट कोर्स में कभी ये आ रहा होगा, कभी ये, कभी ये, वाह तू अपने बगैर सोचे समझे बोला है, तेरी टोपी उतार के तो बुद्धि दाओ मेरा दिमाग में, सोचे समझे बोल, करंट कोर्स डॉट, आवाज ही नहीं आ रही, एसटीडी अंडरस्कोर आईडी, आप ये एरे है इस पे कौन सा मेथड लगेगा, डॉट इंक्लूड्स, अब क्या चीज चेक करनी है इसके अंदर, सुनो सुनो सुनो, सोच एक मिनट, एक मिनट, ये एसटीडी आईडी एक एरे है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडीज आ रही है, अब इसके अंदर मुझे स्टूडेंट की क्या चीज चेक करनी है, करंट स्टूडेंट की अंडरस्कोर, ऐसा ही है, तो मैं क्या लिखूंगा, करंट स्टूडेंट जो जिस पर अभी लूप चला हुआ है डॉट अंडरस्कोर, अब इजी हो गया, बोल ही नहीं रहे, ये फायदा होता है वेरिएबल्स का, जा भाई ठीक है भाई, बोल ही नहीं रहे, अब मुझे क्या करना है, आप ये जो मुजरा करने रखा था इसमें पुश करना है, इसमें क्या करना है, डॉट पुश, किसको पुश करना है, करंट स्टूडेंट नहीं भाई, करंट स्टूडेंट के कोर्सेज में मुझको क्या पुश करना है, कोर्स का नाम, ऐसा ही ना, कोर्स का नाम मुझे कहां से मिलेगा, करंट कोर्स डॉट नेम से, सिंपल हो गया, क्लियर है ना, बोल ही नहीं रहे, आपको ये पता होना चाहिए आपको किस में क्या चीज डालनी, समझ में आ रही, क्या करना ये आपको पता होना चाहिए, आप कर लोगे, अभी ऐसा लगता है रट्टे मार रहे होते, अच्छा ये था ये था ये था, ये रट्टा नहीं होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए करना क्या है, हमने शुरू में एक चीज डिसाइड कर ली थी कि हमें यहाँ पर कोर्सेज का एरे चाहिए जिसके अंदर कोर्सेज का नाम होगा, और वही चीज हम अचीव कर रहे हैं,
आप लोग काम करते वक्त ये भूल जाते हो करना क्या था, ऐसा ही है भाई, बोल ही नहीं रहे। अब मैं एक और सवाल कर रहा हूँ आप लोग से, वो आप लोगों ने करके दिखा ना इसी में, अभी इज्तमाही हम करेंगे, ठीक है। पहले देख लो ये काम सही हुआ हमारा, स्टूडेंट्स सही हुआ भाई, बोल ही नहीं रहे, सही है ना भाई, बोलो ना। आप सुनो, आप सुनो, बोल ही नहीं रहे, आप सुनो। अब ये जो पूरा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, चेंज ये कर रहा हूँ कि करूँ चेंज है, तेरे बोलने में करूँगा, चेंज ये कर रहा हूँ कोर्सेस के साथ साथ, चलो कोर्सेस को अभी हटा के, अभी समझो कोर्सेज नहीं, अब मैं चाह रहा हूँ यूनिवर्सिटीज पर, किस पर, आवाज ही नहीं आ रही, चलो इसको यूं करते हैं, है? इससे क्या होगा समझ ना, इसको कर लेते हैं हम यूनिवर्सिटीज का, किसका कर ले भाई, बोल ही नहीं रहे, ये यूनि वन, इस यूनिवर्सिटी का नाम इकरा यूनिवर्सिटी, नंबर वन रैंकिंग, सही है, एज वेज कुछ नहीं है, बोल ही नहीं रहे। ये है यूनि टू सस्वीट, ठीक है, ये है यूनि थ्री, जो हकीकत यूनिवर्सिटी उनके नाम लिख रहे हैं, डेरिया ले लो चलो, ठीक है, सही है भाई, बोल ही नहीं रहे। अब ये यूनिवर्सिटीज का एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है और कोर्सेज है, और क्या बोल ही नहीं रहे, अरे भाई बोल दो यार, इसके अंदर मौजूद है यूनि वन में ये कोर्स पढ़ाया जाता है और यूनि थ्री में भी मैथ्स पढ़ाया जाता है, यूनि टू में जो है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है और यूनि वन में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है, और कॉमर्स जो है वो सिर्फ यूनि थ्री बैरिया में पढ़ाया जाता है, नेक्स्ट नहीं लिखना नहीं है, सही है भाई, बोल ही नहीं रहे। अब देख लो ये यूनिवर्सिटीज कह रहे, किस कह रहे, बोलो, और ये किस कह रहे, बोल ही नहीं रहे, कोर्सेस कह रहे, आवाज ही नहीं आ रही। अब आपने क्या काम करना है ये समझो, सुनो, आपने ये काम करना है, अचीव क्या करना है आपने, ये जो ये एसटीडी आईडी मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ आएगी यूनि आईडीज, क्या आएगी, बोल ही नहीं रहे, ऐसे ही नहीं, यूनि आईडीज है ना, ठीक है। अब काम क्या करना है, ये कोर्सेज है, ये यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, बोल ही नहीं रहे। कोर्सेज के एरिया के अंदर यूनिवर्सिटीज की आईडीज आ रही है, क्या आ रही, बोल ही नहीं रहे। इस आईडी के बजाय यूनिवर्सिटी का हकीकत का नाम आ जाए, यानी यूनि वन से कौन मुराद है, बोल ही नहीं रहे, और यूनि थ्री से बहरिया, ये बात समझ में, करना ये है, करना क्या है, कोर्सेज की यूनि आईडी में आईडीज के बजाय उनके नाम आ जाए, आईडीज के बजाय उनके नाम आ जाए, क्या करना है भाई, अभी समझा रहा हूं, क्या है तुम लोगों के दिमाग, क्या करना है हमें, यूनि आईडी में यूनि आईडीज के बजाय उसके नाम आ जाए, यूनि आईडीज के बजाय, यूनि आईडीज के बजाय, आवाज यार आईडीज के बजाय, भाई एक मिनट पॉज लो, ये पीछे की लाइटें बोलो, ये आवाज सो रही है पीछे वाली, ये क्यों लाइटें बंद है भाई पीछे की, सॉरी हाँ ये वाली बोलो, ये वाली बोलो, अभी जो खोली नहीं, इसके पीछे वाली भी खोलो, एक और खोल लो आखिरी, उसी रो की एक आखिरी, क्या पीछे से बोले, अच्छा बस सही बैठे हो, ठीक है भाई, क्या करना है, मैथ्स के अंदर यूनि आईडी में क्या लिखा हुआ, यूनि वन से मुराद एकरा यूनिवर्सिटी और यूनि थ्री से मुराद बहरिया, कंप्यूटर साइंस में यूनि टू पे क्या लिखा हुआ सस्वेट और यूनि वन में एकरा यूनिवर्सिटी, इस तरह लिखा हुआ है। अब इसका मतलब मुझे कोर्सेज के एरिया में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, अब कोई बंदा बात ना करे, सिर्फ यहां देखे और यहां मुझे बताए कि क्या करना है, मुझे क्या करना है, कोर्सेज के एरिया में यूनि आईडी को चेंज करना है, क्या करना है भाई, कोर्सेज के सीधे बैठो भाई, कोर्सेज के एरिया में यूनि आईडी, कोर्सेज के एरिया में सीधे बैठो यूनि आईडी, तुम लोग बैठते ऐसे जैसे सेठ की तरह, तुम लोगों को मैं
गरीब की तरह तुम्हें घर पे टीचर पढ़ाने नहीं आता, मतलब फीस दे के, वो सीन लगता है मुझे, ऐसे बैठते हो तुम लोग। हाँ भाई नहीं यार कैसे बंदे मतलब मुंह पे बोल देते हैं, हाँ ऐसा ही है। आप मुझे बताओ क्या करना है, किस पर लुक चलाए सबसे पहले? जिस पर काम करना है ना उस पर लुक चलाओ सबसे पहले, कोर्सेस पर काम करना है ना सबसे पहले, असल मॉडिफिकेशन कोर्सेज के एरो ऑब्जेक्ट में करनी है, ऐसा ही सबसे पहले इस पर लुक चलाओ। फॉर जल्दी ली वर्ड आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन कोर्सेज डॉट लेन आई प्लस प्लस। अब क्या करना है, आप सबसे पहले कोर्सेज आई जो है उसका वेरिएबल बना लो, करंट कोर्स का बोल ही नहीं रहे, इक्वल्स टू कोर्सेज का, ठीक है। अब आई जे के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ जो भी करंट चीज आ रही है उसका वैल्यू बना के रखते हो, ठीक है। आप करंट कोर्स यानी हमारा जो करंट कोर्स था वो क्या है, सबर करो हम एक करते हैं नए टैब पे। अभी आप सीन देखो, आपके भाई को सीन देखो, आपके भाई का सीन दे हो ओ। अगर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसके, अच्छा कोर्सेज का रहेगा, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, थोड़ा साफ सुथरा काम करेंगे ना दिमाग चलेगा हमारा, भैया सही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या हमारा डायरेक्ट कोर्सेज का एरे हम ले, नहीं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब हमको करना पड़ेगा इसको स्ट्रिंगिफाई, क्या करना पड़ेगा स्ट्रिंगी फा ई आ आ हाँ, ये हमारा कोर्सेज है और ये हमारा कोर्सेस इक्वल टू भाईजान कोर्सेज इक्वल टू वो क्या फॉरवर्ड एंड वो क्या होता है लाइन छोड़ने के लिए क्या होता है स्लैश एन बी आर कट है हो जाएगा उससे ऐसे देख लो डॉक्यूमेंट और राइट में किया तुमने बड़ी बात है और यहाँ आएगा यूनिवर्सिटी क्यों ऑटो कंप्लीट होता है ना ऑटो सेल्फ क्लोजिंग हाँ देखिए आप आगे कभी बोलते लगाओ कभी बोलते नहीं लगाओ यूनिवर्सिटी मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर लिखी हुई याद है नहीं हुआ क्या बोल रहा है भाई HTML नहीं लिख सकते आप यार फॉरवर्ड स्लैश एन लिख दो ना यार ये मना कर रहे डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो क्या हुआ अबे अभी चलाया था मैंने पागल आदमी हूँ ये देखो अबे अभी तो मैंने तुम्हारे सामने चलाया अब नहीं चल रहा अबे अभी चलाया था मैंने यार अभी यहाँ पर कुछ लिखा था अभी मैंने चलाया अभी तो लिखा है आ गया देखो हे लिखना था हे लिख दी तो अब क्या हुआ तो स्ट्रिंगिफाई लगाया तो क्या इसकी जान जा रही है आ गया ना आया नहीं मजे का नहीं आया google.com पे करते हैं अच्छा भाई अरे यार रोना धोना लगाया ना इन्होंने सही है बोलो ना भाई जान ये कोर्सेज कह रहे लाइन नहीं छोड़ी इसने और ये यूनिवर्सिटीज कह रहे सही है बोलो ना अभी सब देख लेना यार अब मुझे क्या करना है लूप जल्दी जल्दी बताओ फॉर वार किस पर लूप चलाना है सबसे पहले आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन कोर्सेज डॉट लेंथ आई प्लस अबे भाई टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है वार जल्दी लूप किस वेरिएबल किसका करंट कोर्स कोर्सेज या कोर्स कोर्स आई जहां कोर्सेज बोलना है वहां कोर्स बोलता है अजीब घोड़ा आदमी तू यार सही भाई कोर्सेज का
आई इंडेक्स, सही है? बोली नहीं ना? ये करंट कोर्स इसके अंदर आएगा। इसके अंदर सबसे पहला कोर्स कौन सा आएगा? मैथ्स। अब करना क्या है, करना क्या है भाई इस कोर्स के अंदर, क्या चेंज करना है? यूनी आईडी में यूनी वन की वजह क्या आ जाए? नाम आ जाए। यूनी थ्री की वजह उसका नाम आ जा ए गा, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस एरे को खाली कर दें, यूनी आईडी को खाली कर देते हैं। अब करना क्या, यूनी आईडी को खाली कर दें और वही नीचे लूप चलाते हैं, जैसे ही मैच करेगा उसके अंदर पुश करते जाएंगे। क्या बोलते हो या नहीं? अबे भाई बोल दे यार, ऐसा कर ले या और कोई तरीका बताओ, बताओ और कोई वर्बली तरीका बताओ। डॉट डॉट क्या के ये यूनिवन और ये यूनिवन मैच करता है? नहीं, मैं इस तरीके पे जा रहा हूं कि नीचे मेरे पास वो तो मौजूद है ना, क्या मौजूद है? अच्छा नीचे, हाँ मैच करने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं होगी ना, बिल्कुल, तो हम इसको उड़ा नहीं सकते। हम इसको उड़ा, पहले एक काम करते हैं, अंदर का लूप लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना होगा। ठीक है, बोलो ना, जे इक्वल्स टू जीरो, जे लेस देन, जल्दी जल्दी किस पे, जे लेस देन यूनिवर्सिटीज डॉट लेंथ और फिर जे प्लस प्लस। अब क्या करना है, करंट कोर्स, करंट यूनिवर्सिटी किस पे मिलेगी, जल्दी सब नहीं बोल रहे भाई, यूनिवर्सिटीज के जे में, सही बोलेंगे। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक क्या करना है कि अगर इसकी यूनी वन में, बोली नहीं रहे, इसकी यूनी आईडी में, सॉरी कोर्सेज की, करंट कोर्स की यूनी आईडी में अगर यूनिवर्सिटी की आईडी मौजूद है, यही चेक करना है ना भाई। करंट कोर्सेज मुझे मिल रहा है, करंट कोर्स मिल रहा है, करंट कोर्स में ये वाला फॉर एग्जाम्पल मैथ्स मिल रहा है, जिसकी यूनी आईडी में मुझे क्या मिल रहा है, करंट कोर्स डॉट यूनी अंडरस्कोर आईडी है, सही है? अबे भाई बोलो ना यार, करंट कोर्स की यूनी आईडी है, ये क्या है, कह रहे हैं टेक्स्ट है, देख कर बताओ, कैसे पता चला? क्योंकि करंट कोर्स का ये रहा एरे आईडी, ये है ना यूनी आईडी यार, ये एरे कि नहीं, सही है ना? क्या अबे यार ये घोचू वहीं पर अटका हुआ भाई, ये किस लिए लगाया हमने, इसलिए बोलते दिमाग चला पहले बोलने से पहले भाई, ये देखना यार कोर्सेज आई को हमने वेरिएबल में इसलिए डाला था ताकि यहाँ पर आई की झंझट ना हो, हम कंफ्यूज हो रहे थे इससे, इसी तरह यूनिवर्सिटीज जे को भी यहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ पर जब इसको यूज करेंगे तो जे की झंझट नहीं होगी, समझे? बोल ही नहीं रहे। करंट कोर्स की यूनी आईडी में मुझको क्या चेक करना है, यूनिवर्सिटीज की आईडी मौजूद है यानी, तो वही लगाओ डॉट इंक्लूड्स और यूनिवर्स करंट यूनी की डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये एफ के अंदर लिख दूंगा। मतलब ये चेक कर रहा हूं कि करंट कोर्स में अगर यूनिवर्सिटी जो अभी करंट है उसकी आईडी मौजूद है, तो अब मुझे क्या करना था, अब हमें करना क्या था, अब हमें करना क्या है कि इस यूनी आईडी के अंदर यूनी वन की बजाय क्या आ जाए, उस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाए। अब देखो इसका तरीका एक तो ये, या तो आप इसमें से पहला आइटम निकालो, अनशिफ्ट कर लो और उसकी जगह दूसरा आइटम डाल दो, स्प्लाइस से खेल लो, या फिर आप जो है एक नया एरे बना लो, यानी यूनी आईडीज के बजाय नीचे एक और बनाओ यूनी नेम्स। क्या बनाओगे? तो मुझे बताओ, अगर मुझे करंट कोर्स के अंदर यूनी नेम्स का एक एरे बनाना हो तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? भाई स्प्लाइस छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। करंट कोर्सेज के अंदर अभी यूनी आईडी का एरे बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ एक यूनिक नेम्स का एरे बन जाए। किसका एरे बन जाए बताओ, वो कैसे बनेगा? करंट कोर्स डॉट यूनिक नेम्स इक्वल्स टू खाली एरे, ऐसे ही भाई, इक्वल्स टू खाली एरे। अब इस खाली एरे के अंदर मुझे पुश करना है, किसको किसको पुश करूंगा भाई? यूनी नेम्स में क्या आएगा? चपड़ासी
स्टूडेंट की आईडी, कोर्स की आईडी, क्या आएगा? यूनिवर्सिटी का नाम। यूनिवर्सिटी का नाम निकालो, कहां से आएगा? दिमाग चलाना है, पहले दिमाग चलो। देखो जज्बाती नहीं हो प्रोग्रामिंग में, पहले दिमाग चलाओ क्या चीज नाम डाल रहे, नाम कहां मिल रहा है यूनिवर्सिटी का? करंट यूनी डॉट नेम, सिंपल। जिस तरह करंट यूनी की आईडी मुझे डायरेक्ट मिल रही थी, इस तरह नेम भी मिल रहा होगा। तो करंट यूनी डॉट नेम, करंट यूनी डॉट नेम, बोलो भाई नेम, बस काम हो गया आपका। अब आप चेक करो अपने कोर्सेस को, किसको भाई? कोर्सेस को चेक करना, यूनी को। हाँ कोर्सेस पे काम गया ना मैं, आया? बोलो भाई, ठीक है। यूनिवन इकला, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बहरिया, यूनिट टू इकला और यूनिट वन ससवेट। यहाँ सॉर्टिंग में डिफरेंस आया है, क्योंकि उसको पहले इकरा मिला है फिर ससवेट मिला है, इस वजह से इसने इस तरह से पुश किया, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटीज के नाम सही लिखे, आगे पीछे हो सकते हैं, सही है? बोल ही नहीं रहे। अब आपके लिए एक काम, किधर रिप्लेस करते तो मसला ये होता कि पता नहीं चलता कि रिप्लेस, वैसे भी उस पर चलता है, किस पे चलता है? स्ट्रिंग पे चलता है ना, तो ये तो एरेज है। अगर जो है ना आप अपने अटेम्प्ट में करो, मैं बता रहा हूँ, अगर मगर सभी हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अब आपको दे रहा हूँ ना, आप अगर लगाओ उसमें, सही है? अब आपको मैं दे रहा हूँ, अब लगाओ अगर, फिर पता चलेगा, फिर बोलेगा बंदा जो करा है वो कर लेते हैं वो काफी। आपने करना ही है भाईजान। अब मैं आपको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, दो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एक दे रहा हूँ मैं आपको, एक दे रहा हूँ मैं आपको, क्या दे रहा हूँ? बोल ही नहीं रहा। बच्चों को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। एक दे रहा हूँ मैं आपको चिल्ड्रन, बाप और बच्चों का रिलेशन पूरा घुमाना है बाप ने। हाँ कौन किसका बाप, कौन किसका बच्चा, अब देखो उसमें चेंज करोगे ना मसला हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब अब प्रोग्रामिंग के साथ साथ अखलाक भी तुम्हारे बताएंगे तुम कैसे इंसान हो, ठीक है? अब चिल्ड्रन में एक बच्चे का नाम आ रहा है, नेम आ रहा है पप्पू, क्या नाम है? पप्पू है, क्या नाम है? पेरेंट्स, क्या नाम है? पेरेंट्स के अंदर आ रहा है शंटू, P1 P2, ये P1 P2 पेरेंट्स होंगे जो भी हम लिखेंगे, सही है? एक ये, इसी तरह का एक और बच्चा है, क्या नाम है? असलम, क्या नाम है? उसके माँ बाप ये हैं P3 और P4, आवाज ही नहीं आ रही। माँ बाप बेटा, माँ बाप, P3 बाप है और P4 माँ है, समझा? समझ में आई है? दो बाप नहीं है इसके, सही है? इसके बाद है नट्टू, कौन है भाई? बोल ही नहीं है। इसके अब्बा ने दूसरी शादी की, ठीक है? हाँ ना, P1 अब्बा एक ही है और माँ दूसरी है, ठीक है? तो इसके अब्बा ने दूसरी शादी की, सही। अब आते हैं पेरेंट्स पर, किस पे है भाई? इस इधर देख कर कितने पेरेंट्स नजर आ रहे हैं? टोटल पांच है, सही ना? यानी पांच पेरेंट्स बनेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, ऐसा ही। पेरेंट आईडी, ठीक है, आईडी क्या है बताओ? आईडी है P1 और इस अब्बू का नाम है पप्पू, के अब्बू का नाम क्या हो सकता है? सही है भाई, सही है। क्या नाम है पप्पू का? छोटू, 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 ठीक है, देख लो भाई। P1 है छोटू, P2 है मोटू, हाँ सही है, P1 है, P2 है, P2 मतलब वो फीमेल है ना कोई, छोटू का छोटी है, छड़ी छोटी, यानी पप्पू के अम्मा अब्बा का नाम क्या है? छोटू छोटी, ऐसा ही है ना? बोल ही नहीं रहे, ठीक है। फिर आता है असलम के अब्बा अम्मा का नाम, असलम के अब्बा का नाम असलम, अबे नहीं ना, असलम, 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 अबे
चल भोलू, भोलू और भोली, भोलू भोलू की जोड़ी, ठीक है, भोलू भोली, ठीक है। असलम की माँ बाप का नाम क्या भाई? भोलू और भोली। फिर छोटू की जिंदगी में एक और आई, हाँ भाई, छोटू भाई ने एक और औरत से शादी की, जिसका नाम क्या था? है कोकन बहन, कोकन बहन, सही है, सही है भाई। अब नट्टू के माँ बाप कौन कौन है? नट्टू के माँ बाप कौन है? बोले यार, छोटू और कोकन बहन। बात समझ आ रही? अब ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट उतार लो अपने पास। करना ही है कि वही बात कि इनके पेरेंट्स में या P1 की वजह लिखा है छोटू और या P2 में लिखा हुआ है छोटी, अंधे, छोटू, छोटी, सही ना, माँ बाप भी नहीं पहचान सकता, ठीक है। ये देखो P1, सुन लो, P1 में क्या है भाई? छोटू। P2 में क्या है? छोटी। इस तरह P3 की वजह क्या लिखा है? भोलू। और P4 में भोली। और P1 में यहाँ पर छोटू और P5 में कोकन बहन। ये मुझे चिल्ड्रन का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरह का चाहिए। अब बनाओ, ये बताओ, काम समझ में आ गया ना? तो टाइम पे क्यों नहीं सुनता बेटा? तो पूछो ना भाई, पेरेंट्स के अंदर जहां P1 लिखा है उसका उसका नाम आ जाए, जहां P2 लिखा है उसका उसका नाम आ जाए। P1 की बजाय क्या आएगा? छोटू आएगा। P2 की बजाय छोटी आ जाएगा। इस तरह जहां जिसकी ID उसके बजाय उसका नाम आ जाए, दैट्स इट। जैसे अभी हमने किया, नहीं करो भाई, डन। अबे इतना सा तो काम है, 3 बार तो मैंने करा दिया। ये तो घटिया बात है, तुम लोग हर चीज को कॉपी करते हो, समझते नहीं हो, दिमाग चला के खुद करो। अभी 3 बार हमने रिव्यू किया है, अब सोचो क्या क्या किया था हमने, किस तरह लेकर चले थे क्या। हाँ ये तो बनाओगे, ऑब्वियस ही बात है। ये ना भी बनाओ तो डायरेक्ट लूप चला लो, फिर बाद में बना लेना। ये तुम्हारे सामने है ना, जा तो नहीं रहा, पहले लूप वाला काम कर लो इसको देख कर कि यार ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो अब काम क्या होगा, असल काम पे आ जाओ। डन यार, दो लूप जा रहा कि छोटा सा काम करना। और ये जो काम है ना, ये आज की क्लास का, ये पूरी जिंदगी तुम्हें करना है डेवलपमेंट लाइफ में, ये वाला काम, ये पूरी जिंदगी का काम है। क्योंकि डेटाबेस इंटरेक्शन और डेटाबेस में यही काम है, समझो, इसकी ID से उसको निकालना, उसकी ID से इसको निकालना, इससे जान कभी नहीं छूटेगी, इस वजह से इस पर जोर मार दो पूरा। अलैकुम, मैंने इसको कॉल की है तो ये उठाया नहीं इसने ना, मेरी भी कॉल व्हाट्सएप पे अभी जवाब नहीं दिया हुआ। अच्छा मैं क्लास में हूँ, फिर इंशाल्लाह जोहर की बात ट्राई करता हूँ। डन। नो सर, सिर्फ कुछ ही टाइम।
दोनों चीज़ें ट्राई कर ली, रिमोट डेस्कटॉप से भी और वो जो URL के थ्रू हो रहे हैं वो भी चेक कर लिया। जी भाई। अरे यार क्या होने वाले, होने वाले मतलब कर क्या रहे हो भाई? भाई इस तरह के मैंने कोई 10-15 क्वेश्चंस आपको देने और इससे तीन, ये दो एरेज हैं, तीन चार एरेज मैं बना के दूंगा। और अब ये करना है, आज क्या तारीख है? वेडनेसडे ना आज। अब जुम्मे को तो क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी। मंडे को इसका उन्हीं 15 क्वेश्चंस में से खतरनाक टेस्ट होगा। बड़े दिन है, बड़ी रातें, यही तो चीजें हैं असल सवाब पहुंचाने वाली। भाई बंदा हलाल रोजी के लिए कोशिश करे अच्छी अच्छी नियतों के साथ, ये सवाब नहीं है? ये डब्ल्यू लेवल मनाना नहीं है क्या? क्या बात कर दिया, ये भी तो एक सूरत है, है भाई, ये भी तो एक सूरत है। क्या, कौन सी वीडियो भाई? यही गरीब लोगों के यही होता है भाई, हम गरीबों के साथ यही होता है, हमारी वीडियो कौन देखता है? हम गरीब लोग, आप लोग अमीर लोग, मसरूफ टाइम का है। थैंक यू यार, थैंक यू भाई। ये क्या करें, गरीब लोगों को कमेंट थोड़ी कोई करता है। अभी बोल रहा है पहले देखी नहीं तुमने, दिल से नहीं देखी, तो दिल से नहीं देखी तुमने। हाँ भाई डन हो गया है, क्या कह रहे हो? मिलाद में ऑफिस का काम, ये थोड़ी बोले, ये बोले ऑफिस का काम करते हुए भी आप मिलाद मना सकते हो, तुम उल्टा लेगा, रिवर्स रूट लग गया तुम्हारा। मतलब बेसिकली उसके अंदर ये मैसेज हो रहा होता है कि बंदा परेशान होता है, उसके पास कोई दुरुद पाक का कार्ड लाता है, वो दुरुद पाक पढ़ता है तो उसकी परेशानी हल हो जाती है, एक ये मैसेज दिया गया। ठीक है ना, दुरुद पाक से है ना परेशानियां दूर होती हैं, आपके गम दूर होते हैं। और एक ये मैसेज था कि आप यहाँ स्वीट्स बांट रहे हैं अपने प्रोफेशनल एनवायरमेंट में मिलाद की खुशी में, तो वो तुम लोग थे नहीं ना उसे। बड़े कहाँ गया अरे, अरे तो देख लिया था ना आपने भाई, क्या नहीं सर, अबे अरे हट गया भाई, लिखा हुआ है ना बस सही। एयर फॉर शेपर डाल, वो चल रहा है तुम्हारा ऑडी कास्ट पे, हमें नेट कौन सा है? चलो छोड़ो यार, अरे लिखा हुआ है ना तुम्हारे पास, क्या था अरे में? पेरेंट्स और चिल्ड्रन का था ना, बस दिमाग में ना तुम्हारे क्या करना था। चिल्ड्रंस के अंदर पेरेंट्स आईडी का वो था, P1 P2 इस तरह था। भाई ये वाले क्वेश्चंस आने वाले बड़े खतरनाक तरीके से, ये इसको ये हफ्ता आपने पूरा लगा देना पागलों की तरह, रातें जागो दिन जागो खुद जागो किसी को जगाओ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझको काम चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मंडे बहुत से लोगों का आखिरी दिन हो सकता है जो इस पर काम नहीं कर सकते, ये दिमाग में रख लेना। मंडे मैं फिर इसके बगैर किसी को आगे नहीं जाने दूंगा, ये जो काम है ये सबसे अहम काम है, लूप्स चलाना, दिमाग से सोचना। मंडे तक बत्ती नहीं जली तो फिर कहीं और जाके जलाना। कोई नहीं बात है, क्यों फालतू बोलता है, फालतू क्यों बोलता है, छोड़ खत्म कर भाई बात, काम पे तवज्जो दे। डर हो गया भाई, उसके मुंह पे टेप लगाओ, मुंह पे भी लगाओ और कानों पे भी लगाओ। हो गया अबे तू मतलब जिंदगी भर थोड़ी सोचेगा, काम भी तो करना है, सोचते सोचते मौत आ जाएगी, फरिश्तों को भी बोलेगा मैं सोच रहा हूँ अभी, दिल पर सोचते हैं बोलेंगे भाई चल भाई चलता बनिया से, ओ
वहां तो सोचने का भी टाइम नहीं होगा, वहां तो डायरेक्ट ये बस ईमान सलामत गया तो बंदा सही जवाब दे देगा, ईमान सही नहीं गया तो बंदा गलत जवाब देगा। ना ही मौत से पहले सोचने का टाइम दिया जाएगा, नजा का आलम जो होगा वो भी सोचने का टाइम नहीं होगा, वो ऐसा आलम होगा कि उसके अंदर पूरी जिंदगी की वीडियो चल रही होगी हमारे सामने। जो आखिरी वक्त होता है ना जब रूह कब्ज़ होने वाली होती है, उसमें पूरी जिंदगी की वीडियो चल जाती है उसकी आंखों के सामने, क्या क्या किया था, कितनी देर का क्या मतलब, सेकंड सेकंड थोड़ी मुझको पता है, तो अल्लाह जितनी देर का चल, मतलब वो अब एक अल्लाह ताला की तरफ से सारा मामला सामने आ जाएगा, वो कितनी देर का ये नहीं पता भाई, ऐसा ही है ना। हम लोग देखते भी तो है जिसका मौत का आलम होता है क्या हाल हो रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो अपने उसमें ही होता है। समझ में आ रही है भाई? आप में से किसने देखा है कि सामने इंसान को जाते हुए दुनिया से देखा है, उसके हालत देखी होगी क्या हाल हो रहा होता है उस वक्त, मतलब उस वक्त बंदा कोई फैसला नहीं कर सकता ना, बात समझ रहा होता, ये हाल होता है उस वक्त है। अल्लाह ऐसी ही हमें मौत अता फरमाए कि हम उस वक्त समझ रख रहे हैं और कलमे पर मौत नसीब हो जाए, ये तो सबसे अच्छी मौत है। लेकिन अक्सर मैंने भी देखा है जो कि सेंसेस खो बैठते हैं एंड में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। मैंने दो लोगों की देखी है खासतौर से, एक मेरे पड़ोसी थे उनका था और एक मेरे वालिद साहब जो मेरे हाथ में डेथ हुई उनकी पिछले 2 साल पहले, तो ये मतलब ये सेंसेस नहीं थे बिल्कुल ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा था है। अल्लाह सबके मफ़रत फरमाए, मुश्किल मामला होता है हमारे लिए भी होता है उनके लिए डबल मुश्किल होता है जो जा रहे होते, डबल ट्रिपल। उसके बारे में ऐसा आता है कि रूह जो कब्ज़ होने का मामला है ना वो इतना सख्त है कि जिस तरह एक कपड़ा कांटे में डाल के उसको खींचा जाए तो कपड़ा कैसे फटता है, किस तकलीफ के साथ वो फटता है ना, ऐसी इससे बढ़कर तकलीफ होती है रूह कब्ज़ होने में। आज तो हम लोग अमाल कर करके भूल जाते हैं लेकिन वो सारा एंड टाइम होगा, अगर तौबा नहीं की होगी उन तमाम अमाल से तो हो सकता है वो सारे अमाल सामने आए नजर के टाइम। नेक लोगों के लिए आसानी होती, कोई ऐसे भी होते हैं जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम के दीदार में ऐसा मामला होता है, यानी हुजूर का दीदार हो रहा होता है और रूह कब्ज कर ली जाती प्यार से, ऐसा भी हो सकता। लेकिन ये हम जितनी एक्सपेक्टेशन करते हैं ना वो चीजें हमें है नहीं, यानी अब कयामत के दिन की ये भी तो रिवायत है कि 1000 में से 999 मुजरिम अलग कर दी जाएंगे, सिर्फ एक बंदा प्लस पॉइंट में जाएगा। हम लोग एक्सपेक्टेशन ऐसे रखते हैं कि नहीं यार हम जितने गुनाह कर लेंगे बच जाएंगे किसी तरह, मतलब अच्छी बात है अल्लाह से उम्मीद तो रखे, लेकिन ये भी तो रिवायत है सामने रखी कि कयामत के दिन 1000 में से 999 जो है जहन्नम की तरफ बुलाए जाएंगे और एक बंदा जन्नत की तरफ। रेशो देख लो, 999 को जहन्नम फेंका जा रहा है, एक को जन्नत में फेंका जा रहा है हजारों में से, तो ये इस रेशो को देख के हम नहीं रह सकते यार, इस रेशो में 999 में कहीं हम तो नहीं होंगे, अल्लाह ना करे। तो इसलिए भाई अच्छे अमल करने चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए, खास तौर से रात को 12 बजे के बाद जो बुराइयां होती है उससे बचना चाहिए, ठीक है ना, जो अकेले में होती वो सबसे बुरी बुराई है, चाहे मैं हूँ आप हो हम सब कोई भी हो वो सबसे बुरी चीज है, हमें तौबा करनी चाहिए उनसे और बचना चाहिए। एक मशहूर बंदे का कॉल है, वो बोलता है कि अगर आपने देखना हो ना आपकी पर्सनैलिटी क्या है तो रात को 12 बजे के बाद जज कर लो, जो आप रात को 12 बजे के बाद करते हो ना वो आपका पैशन है, आप वही बंदे हो। मतलब मैं हर बंदा आप पे नहीं करे, आप ये हो मैं ये हूँ तू ये करता है वो ये नहीं, अपने आप को बंदा देखे कि मैं 12 बजे के बाद क्या होता हूँ, रात के 12 नहीं तो रात में अकेले जब मैं होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वही आपका पैशन है, सोते रहो सोते रहो।
सोने से पहले क्या करते हो ये दिमाग, मतलब असल ये कि जब आप अकेले होते हो तो आप क्या करते हो, ठीक है ना, तन्हाई में आप क्या कर रहे हो वही आपका पैशन है। आप गंदी चीजें देखते हो तो आप अंदर सारी गंदगी भरी हुई उसको साफ करो। हो गया बेटा भाई, हो गया, आगे बढ़े। भाईजान नहीं हुआ अभी तक, अभी जिससे हुआ नहीं हुआ ये घर पे आप खुद ही करेगा, ठीक है भाई। और इस तरह के और भी 10 12 15 क्वेश्चन आपको मिल जाए, हो सकता है 20 25 मिल जाए। हाँ भाई मैंने बोला था भाई इस बार अपने असाइनमेंट्स के लिए तैयार हो जाओ, एक दिन में दो दो तीन तीन असाइनमेंट मिलेंगे, ये वो वीक स्टार्ट हो चुका है, सही है भाईजान। ये मैंने तीन बार कर दिया, ये वाला तीन बार कर दिया, चौथी बार नहीं करूंगा। चुप कर जा रहे। हाँ भाई अब आ रहे हैं हम डॉम पर, किस पर? अब आते हैं HTML पर, अब आते हैं BS कोड पर। आ जाएंगे भाई, क्यों मंडे को आएंगे? आज ही आएंगे, क्यों मंडे को? सुस्ती हो रही है क्या भाई? एक असाइनमेंट तो इसका मिल रहा है, एक डॉम का मिलेगा। वाह 20-25 इसके क्वेश्चन, डॉम के 20-25, बस 50 क्वेश्चन करो जीत जाओ। क्या भाई यही करना पड़ेगा, अब टाइम नहीं हमारे पास, सॉरी टू से। अब जिसको साथ चलना है चले, वरना फिर अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना है, फजाइल आखिरी दिन क्या मतलब, सारी बातें हम करेंगे, पहले डॉम फिर काम। किधर है हमारा प्रोजेक्ट? ये रहा, अरे क्या छोड़ो छोड़ो, मैंने कुछ पकड़ा है? सुनो भाई, भाईजान index.html जल्दी आ जाओ, आवाज ही नहीं आ रही। वो शॉर्टकट तरीका क्या है HTML लिखने का? शिफ्ट। वाह आप सुनो भाई, अब आपका भाई बना रहा है एक बटन, क्या बना रहा है? बटन टन, ब का टन, बटन का नाम है क्लिक मी। क्या करना है? मैं चाह रहा हूं जब इस पर क्लिक करें, आवाज ही नहीं आ रही, जब इस पर क्लिक करें तो एक अलर्ट चले, क्या चले? ठीक है, ये पहला काम आज का। तो इसका तरीका ये है कि बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट आएगा जिसका नाम है ऑन क्लिक। क्या नाम है? ऑन क्लिक। और यहां पर आएगा, अगर हमें अलर्ट करना है तो डायरेक्ट अलर्ट लिख दो, क्या लिख दो? अलर्ट स्ट्रिंग के अंदर और कोई मैसेज, हे, ठीक है, सही है भाई? बोली नहीं ने। अब ये बटन के क्लिक पर जो है ये अलर्ट होगा, ऐसा है? कैसे लिखा? ऑन क्लिक इक्वल्स टू स्ट्रिंग में फंक्शन का नाम, जो भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है उसका नाम और जो आपने पास करना है वो, क्लियर है? अब इसको हम चलाते हैं, कैसे चलेगा ये? वो कहां गया सर्वर जो चलाने का था? वो कहां? किधर है? यानी रन से नहीं चल रहा है? छोड़ो यार, डाउनलोड नहीं करते इसको, अलग से एचटीएमएल फाइल खोल लेते। अबे भाई छोड़ो ना, ठीक है भाई, बोल ही नहीं रहे यार। क्लिक मी, हे, चला भाई, बोलो ना। ये तो हमने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन इसमें चला दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को, लेट से एक और जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहे, index.js के नाम से बना रहे, ठीक है, बोल ही नहीं रहे। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, अब इसको HTML के साथ जोड़ते हैं कैसे, पहले ये देखो, ठीक है। लेट्स से इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, ठीक है, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम नहीं सम रख दो, क्या रख दो? जिसके अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे A और B, और इनको मैं अलर्ट कर दूंगा A+B करके, सही है?
मतलब ये नंबर्स आ रहे हैं उनको अलर्ट करना है सम करके, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये सम का फंक्शन मैं इसके क्लिक पर कॉल करूँ, एक और बटन बना लूँ, मैं बोल ही नहीं रहा, एक और बटन बना के लूँ और बना लूँ, मतलब क्या ले लेते हो यार तुम लोग, हर बात को पकड़ना थोड़ी होता है। सम टू फोर, सही है भाई। अब मैं यहां देखो ऑन क्लिक पे सम को, जो सम का फंक्शन था बोलो ना भाई, yes, उसके अंदर टू और फोर पास करो, ऐसे ही कॉल होगा ना। yes, अब क्या ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा? yes, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नजदीक इसको थोड़ी पता है कि ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल में एक सम बना हुआ है। yes, तो पहले अपनी इंडेक्स को इस जेएस फाइल के साथ जोड़ना पड़ेगा, लिंक कराना पड़ेगा। पहले देख लो, अगर मैं इस तरह करता हूं तो क्या होगा मेरे पास, अगर मैंने लिंक नहीं कराया तो देखो मुझे क्या दे रहा है, अनकॉल्ड रेफरेंस सर्विस सम इज नॉट डिफाइंड, यानी सम इसको मिला ही नहीं। आपने जो एचटीएमएल में सम कॉल किया उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसको नहीं पता जावास्क्रिप्ट की फाइल इसकी है। तो आप जिस तरह हम सीएसएस की फाइल को लिंक कराते थे, किस तरह लिंक के टैग से, ऐसे ही ना इधर हम स्क्रिप्ट के टैग से करेंगे, किससे, यानी इसी हेड के अंदर स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा और उसके अंदर एसआरसी के अंदर मैं अपनी फाइल का पाथ, फाइल का पाथ डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट बोलो ना जे एस, सही है क्या? हाँ नहीं सॉरी, वो क्लोजिंग टैग भी आप कर सकते हो, वो भी बना सकते हो। अभी मैंने सेव कर दिया, नहीं मेरे ख्याल से आप पूरा टैग देना पड़ेगा। बताता हूँ उसके बारे में, बताता हूँ सर। सेव किया भाई, आ गया, आप देखो सम किया आया, बोल ही नहीं रहे, ठीक है। तो सिंपल, अच्छा अब ये बाज होगा आपको हेड के अंदर मिलेगा, कोई हेड के अंदर लिखता है, कोई बॉडी के बिल्कुल एंड में लिखता है। इसकी कुछ वजूहत होती है, आज उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे ताकि अभी कंफ्यूजन ना हो, अभी हम फिलहाल ऊपर ही रख रहे हैं, सही है, बोल ही नहीं रहे, ठीक है। ये काम हो गया भाई, बोल ही नहीं रहे, सही। अब यानी आपको ये समझ में आ गया कि किसी बटन की क्लिक पर फंक्शन कैसे चलाना, ये आ गया ना, बोल ही नहीं रहे। अब लेट्स से ये क्रिकेट का कोड है, इसको भी मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ, ठीक है, बोल ही नहीं रहे। स्क्रिप्ट के अंदर क्रिकेट डॉट जेएस, ताकि उसके फंक्शन भी मुझे मिल जाए, बोल ही नहीं रहे। अब ये क्रिकेट के फंक्शन यहाँ कॉल नहीं हो रहे, यहाँ कॉल, अब मैं वहां बटन बना रहा हूँ स्टार्ट क्रिकेट गेम, किसका भाई, स्टार्ट क्रिकेट गेम। मुझे बताओ ऑन क्लिक पे मुझे क्या देना पड़ेगा, उस फंक्शन का नाम क्या था, टॉस था, मिल जाएगा यहाँ पर। तो टॉस को मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया कि जब इस पे क्लिक हो तो टॉस तुम चला देना। देखो इसके अंदर टॉस ही था ना, ये स्लीप का है, ये टॉस है, ये इनिंग्स है, टॉस के अंदर से इनिंग्स कॉल हो रही थी, याद है। तो देखो स्टार्ट क्रिकेट गेम, हुई स्टार्ट, बोलो ना, वही क्रिकेट गेम जो हमने बनाई थी, दो एक एक रन ले रहा है और लंबी कर रहा है, पता नहीं किसकी, इंडिया की, श्रीलंका में खेल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, आउट हुआ भाई, बात समझ आई, क्या कह रहे हैं, तो हमने कंसोल ही कराया है ना उसके अंदर, टॉस के अंदर तो हमने कंसोल ही कराया है ना भाई, अभी हम उसमें नहीं आए, ठीक है। मैं तो सिर्फ फंक्शन चलाना बता रहा हूँ कि फंक्शन कैसे चलेंगे क्लिक पर, क्लियर है भाई, अबे भाई बोल दो यार। ये कहलाते हैं ऑन क्लिक, कहलाता है इवेंट, क्या कहलाता है, ये जिस तरह ऑन क्लिक है इस तरह के और भी इवेंट्स हैं, वो हम पढ़ते जाएंगे, फिलहाल सिर्फ आपने ऑन क्लिक को दिमाग में रखना है। ये क्या कहलाते हैं, इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब जब क्लिक हो, जब इनपुट पे फोकस हो, ठीक है, जब इनपुट से फोकस हट जाए, ठीक है, जब माउस इनपुट के ऊपर आ जाए, ये सब इवेंट्स है एक अलग अलग। तो क्लिक भी एक इवेंट है, क्लिक भी क्या है भाई, इवेंट है। तो जब भी बटन पे या किसी भी चीज पे क्लिक पर कोई काम करवाना हो तो ऑन क्लिक के बाद जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का नाम, भाईजान ऑन क्लिक के बाद जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का नाम, ये बात क्लियर, ये था इवेंट्स का गेम। अब नेक्स्ट क्लास में आपने बनाने बनाकर आना है कैलकुलेटर, आहा क्या बना गया ना, कैलकुलेटर, जो कि जिसकी अभी कुछ ना कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूं। एक डिप बना रहे, क्या बना भाई, क्लास दे दो इसको कैलकुलेटर, आवाज ही नहीं आ रही, जल्दी जल्दी सीएसएस फाइल बना भाई, इंडेक्स डॉट सीएसएस, आवाज ही नहीं आ रही, डॉट कैलकुलेटर को क्या दे, विद
यार मैं अभी इस पे क्यों काम कर रहा हूँ सीएसएस पे, ये आप लोग कर लोगे यार। अबे सीएसएस तो कर लोगे ना लल्लू, सुनोगे कुछ मतलब। अच्छा इसके अंदर क्या होगा, एक इनपुट होता है ना, बोल ही नहीं रहा। कैलकुलेटर में क्या होता है, इनपुट होता है, प्लेस होल्डर में अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2+2 ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो दिखे यहाँ 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 पर इस तरह की चीज आएगी। और नीचे बटन्स बनाऊंगा, आवाज ही नहीं आ रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सबके बटन होते हैं ना। अबे भाई बोल रहे यार, ये 1 का बटन है, फिर 2 का, 3 का, फिर 3 का, ठीक है, ये 3 बटन बनाए और इसके साथ एक प्लस का बटन बना दिया, बोल ही नहीं रहे। और एक है इक्वल टू का बना दिया, बाकी सारे नंबर आप बना लेना, बोल ही नहीं रहे। कहा है भाई, ये आ रहा है, ठीक है, इसको अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि सब कैलकुलेटर दिखे। ओके, बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। अब मैं ये चाह रहा हूँ, सुन लो, मैं ये चाह रहा हूँ 1 पे जब क्लिक हो, किस पे क्लिक हो, तो ये 1 यहाँ पर लिखा आ जाए, फिर अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो प्लस लिखा आ जाए, और फिर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो 2 उसके आगे लिखा आ जाए। यानी हर सूरत में जब भी क्लिक हो रहा है तो आप कॉन्केट करवा रहे हो, ऐसा है कि नहीं? Yes, भाई 1 पे क्लिक हो रहा है तो 1 लिखाया, फिर दोबारा 1 पे क्लिक हुआ तो 11 हो जाएगा, ऐसा है? Yes, फिर अगर प्लस पे क्लिक हो रहा है तो आगे प्लस लिखा हुआ है, फिर 2 पे क्लिक हो रहा है तो उसी के आगे 2 लिखा है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कॉन्केट हो रहा है, ऐसा है? बोल ही नहीं। सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि जब 1 पे क्लिक हो तो ये इनपुट पे आ जाए, सही है? अच्छा क्लिक किस पे हो रहा है, तो इस पे ऑन क्लिक लगेगा, बोल ही नहीं रहे, ऑन क्लिक लगेगा, सही है? आप इस फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए कि हम बटन की वैल्यू ले रहे हैं, गेट फंक्शन ले रहे, औकात है फंक्शन लेने वाला, गेट नंबर, ठीक है, बोल ही नहीं रहे। अच्छा सबके लिए फिर यही फंक्शन कॉल होगा गेट नंबर, बोल ही नहीं रहे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मुझे बताना पड़ेगा कौन सा नंबर जा रहा है, तो यहां मैं पास कर देता हूं 1 या 2 और यहां 3, ऐसा ही है? अबे भाई बोल दे यार। और बटन प्लस पे यहां पर गेट ऑपरेटर का एक फंक्शन बना लेते हैं, या चूंकि कॉन्केट ही करना है, एक ही काम करना है, तो हम इसको भी इसी फंक्शन में रख लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर प्लस पास कर लेते हैं, क्या पास कर, बोल ही नहीं रहे यार, प्लस पास कर दिया, प्लस को हम स्ट्रिंग में दे देते ना, क्यों डायरेक्ट प्लस तो कोई चीज नहीं, ऐसा ही है? और इक्वल टू पे हमको एक कैलकुलेट का बटन चाहिए होगा, फंक्शन चाहिए होगा, ऐसा ही है ना? बोल ही नहीं रहा, इसके अंदर कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करेगा, सही बोल दो। अब ये गेट नम का मैं फंक्शन बना रहा हूँ, किसका फंक्शन बना रहा हूँ, बोल ही नहीं रहे, फंक्शन गेट नम। अब इसके अंदर कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर आ रहा होगा, बोल ही नहीं रहे यार, सही है ना? अब देखो अलर्ट करवा लो, तो आपके पास जब 1 पे क्लिक होगा तो अलर्ट 1 होना चाहिए, रिफ्रेश करो, आ रहा है? 3 पे क्लिक हुआ तो क्या आ रहा है? प्लस पे क्लिक हुआ तो, बोल ही नहीं रहे, ऐसा ही है ना? आप मुझको ये बताओ, सबसे पहले तो आपको अभी इधर लाने से पहले आप एक वेरिएबल में इस तरह काम करके बताओ कि जब 1 पे क्लिक हो तो 1, फिर दोबारा 1 पे क्लिक हो तो 11 हो जाए, फिर प्लस पे क्लिक हो तो प्लस आ जाए 11 प्लस, और फिर 2 पे क्लिक हो तो 2 आ जाए 11 प्लस 2 लिखा आ जाए। ये काम कैसे करेंगे, कैसे कॉन्केट होगा, क्या करो, इसी के अंदर वेरिएबल बनाओ, बोल ही नहीं रहे। अच्छा बना लेते हैं वार्ड, लेट से इसको इनपुट के नाम से बनाते हैं, ठीक है, बोल ही नहीं रहे। अब क्या लिखूंगा यार, इनपुट इक्वल टू नम, फिर प्लस क्या, प्लस नम, नम प्लस नम, अजीब लल्लू वाली बातें करते हैं। हाँ भाई कॉन्केट किस तरह करते हो, किस तरह करते हो, फॉर लूप वाले केस में अगर आप क्या कर रहे थे, यानी अंदर आप जो कॉन्केटिनेशन कभी करते थे किसी केस में, तो कैसे करते थे, नम प्लस इक्वल टू नई वैल्यू, नम प्लस इक्वल नहीं, इनपुट प्लस इक्वल टू, ऐसा ही
लेकिन इसके लिए इनपुट पहले बना होना जरूरी है ना, बोल ही नहीं रहा है, तो पहले आप बार इनपुट बाहर बना लो खाली स्ट्रिंग, समझे, बोल ही नहीं रहे भाई, इनपुट एक खाली स्ट्रिंग होगा, इनपुट एक खाली स्ट्रिंग होगा, और उस स्ट्रिंग में हर मरतबा जब भी कोई नंबर प्रेस होगा तो वो कॉन्केट होता जाएगा, वन कॉन्केट हो रहा है, फिर टू, फिर प्लस, फिर थ्री, आ रही बात समझ में, बोल ही नहीं रहे आप सिर्फ नम को इनपुट को अलर्ट करो हर बार, सही, ताकि चेक करें। अब मैंने क्या प्रेस किया, वन, इनपुट में क्या है, वन, अब दोबारा वन प्रेस कर रहा हूं तो इलेवन होना चाहिए, हुआ, अब मैं टू प्रेस कर रहा हूं तो 102 हो जाए, 112 हो जाना चाहिए, हो गया, अब मैं प्लस प्रेस कर रहा हूं, 112 प्लस हो गया, बोलो ना, अब मैं थ्री प्लस कर रहा हूं, 112 प्लस थ्री हो गया, हुआ नहीं हुआ, अबे भाई बोलो ना, तो ये मैंने पूरा इनपुट की स्टेटमेंट बना दी। अब ये पूरी चीज मुझको सिर्फ यहां चाहिए, कहां चाहिए, इनपुट पर, कहां चाहिए भाई, आवाज ही नहीं आ रही है, ये बात सबको समझ में, ये हमने क्या किया भाई, इनपुट को बना लिया, सिम हम ये कर रहे हैं कि जब भी फंक्शन चल रहा है तो उसके अंदर कॉन्कैटिनेशन होते जा रही है, क्या हो रही है भाई, आप सिंपल मुझे ये काम करना है, ये जो इनपुट है इसके अंदर ये वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, सही भाई, ये वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जा ए। अब इसके लिए नया तरीका, आज आप सुनोगे वो नया तरीका क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इस एचटीएमएल के इनपुट को दे दूँ। इसके लिए क्या तरीकेकार है, सबसे पहले आप इसको दोगे आईडी, क्या दोगे, यानी जहां पर आपने वैल्यू उतारनी, ठीक है, उसको आप आईडी दोगे, क्या दोगे, आईडी दे दो इनपुट को, क्या दे, इनपुट ही दे दे, है ना, बोलो ना, अब यहां पर हम सबसे पहले एचटीएमएल का वो वाला एलिमेंट उठाएंगे जहां पर हमें आईडी देनी है, और HTML का एलिमेंट उठाने का तरीका document.getElementById, और भी तरीके अभी हमसे भी आईडी वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या तरीका भाई, document.getElementById, और उसके अंदर हमने दे दी इनपुट आईडी, क्या दे दी, इनपुट और सही, और इसको हमने एक ले लिया वेरिएबल में var input element, ये एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट का मतलब पूरा टैग उठा के हमने इसके अंदर डाल दिया, बात समझ आ रही, बोल ही नहीं रहे, आप इसको कंसोल करो तो आपको वही इनपुट का एलिमेंट कंसोल में आ जाएगा, रिफ्रेश, वन आया, बोलो, बोलो ना, वही टैग आ रहा है कंसोल में, कैसे आ रहा है, मैंने इसको आईडी दी और जावास्क्रिप्ट को बोला भाई वो वाला डॉक्यूमेंट ले आ जिसकी आईडी इनपुट है, जिसकी आईडी, बोल ही नहीं रहा यार, जिसकी आईडी इनपुट है उसको एक वेरिएबल में डाल लिया, ये इसलिए लाया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है, क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है, अब मैं सिंपल इतना बोलूंगा इसको, क्या बोलूंगा, इनपुट की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू इक्वल्स टू किसके भाई, ये सॉरी इनपुट एलिमेंट की वैल्यू, ये है ना इनपुट एलिमेंट है ना भाई, इनपुट एलिमेंट की वैल्यू किसके इक्वल करनी है, इनपुट के, जिसके अंदर हमारा पूरा स्ट्रिंग बन रहा है, बस ये कर दिया, देखो जरा, रिफ्रेश करो, वन आया इनपुट में, वन प्लस टू प्लस थ्री आया, कैसा दिया, हैं इक्वल्स टू पे कोई काम किया अभी तक आपने, नहीं किया तो भाई क्यों चेक कर रहे, बात समझ में आई, ओ भाई ये क्या समझ में आया, सबसे पहले क्या किया हमने, पहले स्ट्रिंग बना लिया कि कॉन्कैटिनेशन के बाद कैसे बनेगा स्ट्रिंग, वो बनाने का तरीका ये था, ऊपर खाली वेरिएबल बनाया, फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल के अंदर जो भी नई चीज आ रही उसको कॉन्कैट कराते गए, सही है, बोल ही नहीं रहे, और इसके बाद फिर हमने क्या किया, इनपुट एलिमेंट को पकड़ा, सही है, कैसे पकड़ा भाई, डॉक्यूमेंट डॉट, आवाज नहीं आ रही, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको आईडी दी और वो वाली आईडी वहां दे दी, उसको वेरिएबल में लिया और फिर उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, इनपुट के अंदर वैल्यू होती है ना, याद है भाई, वैल्यू कुछ भी लिखूंगा तो वो चेंज कर देगा, याद है, याद ही नहीं है तुमको, खैर वैल्यू उसकी मेन चीज होती है, अगर आप वैल्यू चेंज कर दो तो उसके इनपुट में वो चीज लिखी आ जाएगी जो वैल्यू में लिखी है, तो मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया इनपुट के इक्वल, किसके इक्वल, भाई बोल दो, बस सिंपल, ठीक है, अब मेरे पास ये चीज आ गई, ये चीज आप कौन सा फंक्शन है, कैलकुलेट का, किसका, बोलो बोलो बोलो, अब मैं फंक्शन बनाऊंगा कैलकुलेट का, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो भी इनपुट के अंदर लिखा है उसको कैलकुलेट कर देना है, ऐसा है, बोल ही नहीं,
सवाल ये कि इनपुट के अंदर जो भी लिखा है वो मुझे इस कैलकुलेट में कैसे मिलेगा? इसी से, बिल्कुल सही बोल रहे हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी पूरा इनपुट आपको लाके दे रहा और उसकी डॉट वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू से मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यानी मैं ये लिखूंगा वार इनपुट एलिमेंट और फिर मैं वैल्यू के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूं, वार वैल्यू इक्वल्स टू किसकी वैल्यू है, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू। आप कंसोल करो तो कैलकुलेट पर आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, कैलकुलेट पर आपको बोलो 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 वैल्यू मिलनी चाहिए। रिफ्रेश करो, कुछ टाइप करो, 1 1 + 3 + 2 ठीक है, इक्वल टू आ रही भाई कंसोल में आ रही वैल्यू। ये कैलकुलेट फंक्शन में मैंने कंसोल कराई है, कैलकुलेट फंक्शन में मैंने, आवाज ही नहीं आ रही। अब बस इसको हल करना है, कैलकुलेट करना है। तो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है eval, क्या फंक्शन है eval के अंदर अगर आप कोई मैथ्स की स्टेटमेंट लिख दो तो वो उसको इवेल्युएट कर देगा। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, बोल ही नहीं रहे, एक बार रिजल्ट करके बना लेता हूं, रिजल्ट इक्वल्स टू eval और उसके अंदर वैल्यू खत्म। अब ये वैल्यू मुझको इनपुट पे दिखानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ जैसे इसकी वैल्यू चेंज की थी भाई, इक्वल टू रिजल्ट, बन गया आपका कैलकुलेटर। रिफ्रेश करो, 2 + 2 कितना होता है, कैसा दिया, कैसा दिया हीरो, कैसा दिया, कैसा दिया, कितनी देर लगी कैलकुलेटर, अबे बहुत मुश्किल लगा, अबे भाई कुछ भी नहीं था, सिर्फ नई चीजें जो हमने पढ़ी, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था, इनपुट की इनपुट का एलिमेंट यहां रखो, उसकी वैल्यू पे एंटर करो कोई चीज, या फिर उसकी वैल्यू से कोई चीज ले रहे हो, ये चीज हमने किया, बाकी सारा वही है जो हम जावास्क्रिप्ट में अब तक करते हैं। आज के लिए असाइनमेंट ये है ना, कैलकुलेटर आपने सही से डिजाइन भी करना है और प्रॉपरली सारे फंक्शंस लगा देने, बेसिक मैंने करके दिखा दिया आपको, वो फिर फॉर्म वॉर्म से आपको करना पड़ेगा, एंटर का बटन तो फॉर्म पे चलता है ना, वो फिर अलग काम है, वो फिर बात के लिए आप रखो, पहले बेसिक काम करो सही, क्या वो आप सीई का बटन बनाओ। अच्छा चलो आपसे ही पूछ रहा हूँ भाईजान, भाईजान एक बटन मुझे क्लियर का बनाना है, सुनो सुनो सुनो, क्या सीई नाम होता है ना वो क्लियर का, यस सी होता है, इधर एक क्लियर का फंक्शन बनाया है भाईजान, अब समझ में आ जाएगा, इधर मैंने क्या बनाया जल्दी जल्दी, फंक्शन क्लियर, इससे मुझे इनपुट की वैल्यू क्लियर करनी है, इनपुट की वैल्यू जो भी इनपुट में लिखा है उसको खाली कर देना है, बताओ कैसे करूंगा, ऊपर देख के बताओ भाई, इनपुट पर काम करना है तो सबसे पहले इनपुट को पकड़ना पड़ेगा, इनपुट को पकड़ने का तरीका ये है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी और उसकी आईडी, हमने इनपुट को ये आईडी दी हुई है, इस वजह से ये लिख रहा हूं, सही है भाई। अब ये इनपुट का एलिमेंट मिल गया, आप क्या करना है, इसकी वैल्यू को छेड़ने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को खाली करना है तो क्या लिखूंगा, अरे भाई सामने लिखा हुआ पढ़ो ना, बोलो डॉट वैल्यू और उसको क्या करना है, खाली करना। अब आप देखो 2 + 2 + 3 ये लिखा है, अब मैं सी करूंगा खाली हो जाएगी, नहीं हुई नहीं ना, इससे खाली क्यों नहीं की, क्लियर यहाँ पर, अबे एक मिनट सबर कर दो, बहुत बोलते हो तुम, सेव हुआ नहीं भाई, ये बढ़ने वाली है भाई, ये क्या हुआ, नहीं खाली में होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रही, तो बढ़ना गया दो सबर कर जा, ये देखो ये तो खाली कर रहा है, हमने वहां से नहीं करवाई ना सर, ये क्या ऑन क्लिक पे क्लियर तो कॉल किया, क्या बोल रहा है, बोल रहा क्या, क्लियर का फंक्शन कॉल तो किया हमने, कैलकुलेट क्लियर, ये फाइल सेव नहीं हुई है लगता है, व्हाट द हेल, व्हाई क्लियर एक फंक्शन है, देखो क्लियर को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो देखो हो रहा है, यहाँ से कॉल क्यों नहीं हो पा रहा है ये भाई, कुछ और नाम रख दो, सी एल एस क्या नाम होगा, रिफ्रेश ही नहीं किया मैं,
गया बोलते छोड़ा छोड़ी नहीं करनी चाहिए है मेथड है तभी भंड दे रहा है सही ना क्लियर कोई बैठ हाँ नेटिव कोड है ना ये देखो ठीक है ना हम ऑलरेडी उसकी कोई बनी हुई चीज को छेड़ रहे थे इस वजह से सही है भाई डन हो गया वो अब आप जिससे कर लो आपकी मर्जी ठीक है अब मैंने आपको बेसिक्स दिखा दी हाँ भाई पूछो स्प्लाइस का मेथड एक ही आवाज नहीं आ रही एक ही गली ओ भाई चुप हो जाओ यार क्या बोले ओ भाई चुप जोर से बोल ले यार सबको चुप कर एक एक करके हटाना हो तो आप लास्ट वाली चीज को निकालते रहोगे हमेशा स्लाइस से कर सकते हो स्लाइस से भी चल सकता है ठीक है भाई तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है यार अब आखिरी एलिमेंट बनाने के लिए वो अब आपकी लॉजिक है जावास के हम पढ़ के हैं अब हम डॉम पे काम कर रहे हैं सही भाई तो मंडे यानी संडे तक आपने कैलकुलेटर और 20-25 क्वेश्चन उसके होंगे वो आपने करके लाना भाई वो नहीं किए नो एंट्री अल्लाह हाफिज़।